मैसेजिंग ऐप सिग्नल ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। आइए जानते हैं क्यों। सिग्नल ऐप को मॉक्सी मालिन स्पाइक, अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर और वर्तमान में सिग्नल मैसेंजर के सीईओ द्वारा बनाया गया था। सिग्नल फाउंडेशन को व्हाट्सएप के सह संस्थापक ब्रायन एक्टन और मालिन स्पाइक ने बनाया था। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की घोषणा के बाद सिग्नल ऐप को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सिग्नल ऐप को इतने लोग अचानक से इस्तेमाल करने लगे हैं कि उसका सर्वर ही डाउन हो गया है। इसके बारे में खुद सिग्नल ने ट्वीट करके कहा है कि अधिक यूजर्स होने के कारण वेरिफिकेशन कोड में दिक्कत आ रही है, हालांकि इसके लिए टीम काम कर रही है। सिग्नल ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप फ्री ऐप की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप के सबसे बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर टेलीग्राम का भी नाम आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और परमिशन के मामले में सिग्नल की सिक्योरिटी सबसे अच्छी मानी जा रही है। सिग्नल आपके हर मैसेज की प्राइवेसी को बरकरार रखता है। इसके लिए यह एडवांस्ड एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। इसका सर्वर ना तो आपका कोई डेटा स्टोर करता है और ना ही आपके किसी मैसेज तक इसकी पहुंच होती है। यह व्हाट्सएप का एक प्राइवेट और सिक्योर रिप्लेसमेंट साबित हुआ, जो 15 जनवरी की शाम में अचानक गड़बड़ियां आ गई, जिसके कारण उसने संदेशों को भेजना बंद कर दिया। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार लगभग शाम 4 बजे कनेक्शन और लॉगिन के साथ समस्याओं की रिपोर्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं की भीड़ देखी गई। कॉम्पिटिटर इंक्रिप्टेड ऐप टेलीग्राम के साथ व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को अपडेट करने के बाद सिग्नल ने पिछले सप्ताह नए साइन अप में तेजी से वृद्धि की है। सिग्नल के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के डाउनलोड मंगलवार को एक दिन में 10 मिलियन से बढ़कर 50 मिलियन हो गए। टेस्ला के टाइकून एलोन मस्क द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट द्वारा ऐप की किस्मत खुल गई। एलोन मस्क ने ट्विटर पर बस इतना लिखा, सिग्नल का उपयोग करें। ट्वीट को 360,000 से अधिक बार पसंद किया गया। सिग्नल ने ट्वीट कर अपने यूजर को जानकारी दी, यूजर्स के अचानक उछाल आने से सिग्नल के सर्वर डाउन हो गए हैं। सिग्नल की टीम उसे ठीक करने में लगी है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कॉमेंट। Thanks for watching.